दिन वेलफेर पार्टी आफ् इंडिया राज्य समितिया वतिया कड़ा पत्रिका गोष्ठी बहुत मुख्यवाद विषय देश नड़ीता कड़ा रैतर दिल्लिया गड़ी होराट सरी सुमार 40 लक्ष रैतर जमा यहा उद्देश होराट अंश बंतु इडी भारत देश जनत परवा होराट अब बर रैतर होराट अल कड़े संपूर्ण कृषि आधारित देश कृषिय संपूर्ण रैतर कई तपी अदा कॉर्पोरेट कंपनी कई को उन्नारव केंद्र सरकार प्रारंभ में डबल रेट को डबल रेट को मार्केट सिस्टम नाश मे कर्नाटक एपीएमसी 428 एपीएमसी कर्नाटक राज्य 5785 एकरे प्रदेश एपीएमसी जगह 5 लक्ष कोटी बेले कट आस्ती एपीएमसी उद्देश्य रैतरल्ली माल तरबेकु वर्तकर टेंडर हाकि माल व्यवस्थे कानून तिद्दुपडि प्रतिफल कळेद मूर्नाल्कु तिंगळिंद एपीएमसी माल होता वर्तकर बरता एपीएमसी ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಲೆನ 1700 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 48 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನಾವು ಬರೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕ ಎಪಿಎಂಸಿ ತಂದಿಟ್ರು ತಾನೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಎಂಎಸ್ಪಿ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ನೆಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಇರ್ತತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ತಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾನಿಬ್ ಸೇ ಮೈ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಇಸ್ತಕ್ಬಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಆಜ್ ಕಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮೇ ಹಮ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೇ ಜೋ ಕಿಸಾನೋ ಕಿ ಜೋ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ उसके सिलसिले में एक कैंपेन हम आज से शुरू कर रहे हैं। इस कैंपेन को 15 जनवरी तक हम चलाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस मुल्क के अंदर जो किसान हैं, जिनको इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो आज बड़ी मुश्किल हालात से ये किसान गुजर रहे हैं। पिछले 44 दिनों से दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें अब तक 40 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन सरकार जो है अभी तक उनको उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और ऐसे शदीद हालात में भी किसान अपनी ये प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए हैं। तो हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से ये चाह रहे थे कि जो आम अवाम है वो किसानों के इन मसाइल को समझें और किसानों के साथ जो परेशानी हो रही है उसको वो जाने। इसीलिए हमने एक कैंपेन का आगाज़ किया है किसानों का तहफ़ मुल्क का इस्तेहकाम के नाम से। इस कैंपेन के दौरान हम सिंपोजियम सेमिनार और हैंडबिल के ज़रिए से आम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि इस मुल्क का किसान इस वक्त किस तरह परेशानी में है और किसान के साथ खड़े होना कितना ज़रूरी है। तो हमारी ये कैंपेन का असल मकसद यही है कि हुकूमत जो है वो किसानों के मुतालबात को माने। किसानों के जो 3 कड़े कानून बनाए गए हैं, पहले तो किसान इस बात को लेकर के परेशान है कि उनको सही बीज नहीं मिल रहे हैं और उनको कर्जा सही तौर पे नहीं मिल रहा, उसका सूद ज़्यादा लिया जाता है। किसानों के लिए जो करंट की फराहमी है, बिजली की फराहमी, वो भी सही वक्त पे नहीं हो रही है। ऐसे संगीन हालात में उसके बाद फिर ये कोरोना की वजह से जो हालात आए, इन सब के साथ साथ अचानक मरकजी हुकूमत ने ये 3 जो काले कानून बनाए हैं, जिसके ज़रिए से किसानों को आइंदा आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलें होंगी।